नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। एक बड़ी खबर फिर से आ रही है सामने। अभी अभी हमने जो आपको लाइव के माध्यम से बताया था कि जीतन राम मांझी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक अन्य मार्ग में जो मीटिंग चलाई है, यानी कि किचन में जो एक रेसिपी बनाई जा रही है, उसका नतीजा जो है अब सामने आ गया है। वो जस्ट बाहर निकले जीतन राम मांझी और वो मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि हमारी जो मुलाकात है गैर राजनीतिक थी, यानी कि जो हम लोगों की बात जो है कोई भी राजनीति को लेकर के कोई भी बात नहीं हुई है। तो फिर बात किस बात को लेकर के हुई? तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग जो है क्षेत्रीय विकास के मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आए हुए थे। यानी कि जीतन राम मांझी ने इस बात से खंडन किया है कि वो जो है किसी राजनीतिक मुलाकात नहीं थी उनकी नीतीश कुमार के साथ, वे क्षेत्रीय विकास को लेकर के जो है मुलाकात करने आए हुए थे। लेकिन ये सारी बातें जो हास्यास्पद नजर आ रही है, क्योंकि जो हमारे सूत्र जो है वो बिल्कुल दावा कर रहे हैं कि वो एलजेपी की तरह ही अगर बात करें तो जीतन राम मांझी जो है 8 कंफर्म सीटें चाह रहे हैं, यानी कि 8 कंफर्म सीटों को लेकर के नीतीश कुमार से उनकी बातचीत हुई है। उसमें जो है इसके अलावा एक एमएलसी की सीट को लेकर के भी बातचीत हुई है, ये हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी की माने तो उनकी जो मुलाकात है वो गैर राजनीतिक थी, यानी कि राजनीति को लेकर के भी कोई उनसे बातचीत नहीं हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या पिछले 15 सालों में उनको आज जो है अपने क्षेत्र के विकास का मुद्दा याद आया है? ये एक बड़ा सवाल और उठता है। लेकिन जीतन राम मांझी फिलहाल एक और जो बड़ी बात है, एनडीए में जो शामिल होने की बातों से उन्होंने इनकार किया है, लेकिन जेडीयू में जो है उनका विलय माना जा रहा है, तय माना जा रहा है। लेकिन मसला सिर्फ एक ही जगह फंस रहा है कि जीतन राम मांझी जो है उन्होंने 8 सीटों की मांग कर दी है, जिनमें जो है उनके रिश्तेदारों के भी नाम है, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको लाइव के माध्यम से बताया था। लेकिन एक बड़ी बात सामने आ रही है कि जीतन राम मांझी को 8 सीटें चाहिए, वो भी कंफर्म सीटें चाहिए, उसके बाद एक एमएलसी की भी सीट चाहिए। इसको लेकर के उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, लेकिन जीतन राम मांझी इस बात का जो है खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम आपको तुरंत पहुंचाएगी। खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं रुकता है, तो बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।